विकास के कार्य करवाने का जो ये बात कहते रहते हैं, और ज़मीन स्तर पे जो परिस्थितियां हैं उसे देखने का मौका मिला है। तो निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे वो कोविड महामारी से निपटने की बात हो, चाहे वो बेरोज़गारी से निपटने की बात हो, चाहे वो प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो, चाहे प्रदेश के जो खस्ता सड़क के हाल है उसकी बात हो, हर मोर्चे पे ये सरकार जो है वो विफल होती नज़र आ रही है। और निश्चित तौर से जहाँ जहाँ हम जिस भी इलाके में जाए, जो भी अभी वहाँ पे हमको चाहे कॉलेज देखने को मिलते हैं, ITIs देखने को मिलती है, स्कूल देखने को मिलते हैं, या जिनका अभी लोकार्पण हो भी रहा है, वो सारे के सारे कार्य जो है पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा जो है वो शुरू हुए, जिनका फीता काटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। और हमने जैसा हर मंच से कहा कि ये सरकार इतिहास में केवल मात्र रिबन काटने वाली सरकार के नाम से जानी जाएगी। आज हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड करीबन 20 लाख का आंकड़ा जो है वो बेरोज़गारी का प्रदेश के अंदर ये आंकड़ा पार कर चुकी है, और प्रदेश में निवेश पूरी तरीके से ठप पड़ा है, और ख़ास रूप से जो हमारा ये इलाका है, चाहे काला अम्ब का, पौंटा का इलाका है, बद्दी का इलाका है, और आपके नालागढ़ का इलाका है, जिस तरीके से यहाँ से इंडस्ट्रीज़ का प्लान बाहर के इलाकों में हो रहा है, और जिस तरीके से उनको समर्थन सरकार की ओर से होना चाहिए था उसमें सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से हताश है। जो इंडस्ट्रियल पैकेज की बात समय समय पर सरकार कहती आई है, उस पर कोई समर्थन सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को दिया नहीं है। हमारे जो यहाँ के किसान हैं वो भी पूरी तरीके से हताश है, कोई मंडी ना होने के बावजूद के ना होने की स्थिति में उनको जो है हरियाणा जाकर अपना यहाँ से जो है अपनी उपज यहाँ पे बेचने पर वो मजबूर हो रहे हैं। अभी जो नया कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है और उसमें जो मंडियों APMC की जो पावर्स को कम किया गया है, और बड़े बड़े जो आपके उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, उनको सीधा अधिकार जो है वो किसानों के ऊपर प्रहार करने का दिया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम धन्यवाद करते हैं पंजाब सरकार का, जहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है एक नया कानून अपनी विधानसभा में पारित किया है, और इस कानून को जो है वो केंद्र के कानून को ओवर रूल किया है। हम हिमाचल प्रदेश में भी ये लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे, और प्रदेश में किसानों के साथ साथ जो हमारे बागवान हैं, क्योंकि प्रदेश में करीबन 8,000 करोड़ रुपए का इकोनॉमी हमारे सेब की, हमारे जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, चाहे वो आपका गुआवा है, लीची है, इसका निचले हिमाचल में होता है, उनकी आवाज़ को भी हम आने वाले समय में उठाने का निश्चित तौर से प्रयास करेंगे, ताकि इस तरीके की जो एक महामारी आज पूरे प्रदेश में फैली हुई है, और ऊपर से जो एक निकम्मी सरकार प्रदेश के अंदर बैठी हुई है, जिसमें भू माफिया का राज हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है, चाहे वो हमारे ऊना का इलाका है, चाहे आपके इंदौरा का इलाका है, चाहे आपके पौंटा का इलाका है, पूरी तरीके से यहाँ पे जो है माइनिंग माफिया हमको देखने को मिल रही है। पिछले कल ही जो एक दुर्घटना यहाँ पे घटी, जिसमें ओवरलोडिंग जो है टिप्पर की हो रही है, करीबन 30-30, 40-40 टन के जो है बड़े बड़े टिप्पर यहाँ पर आकर यहाँ पे लूट घुसूट कर रहे हैं। कोई पुलिस का कोई उसमें दबदबा नहीं है, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है, और जिस तरीके से एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मसले को हम आने वाले समय में और मजबूती के साथ उठाएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने इस पर हालांकि अपना बयान दिया है, मगर वो जो है ना ही वो पूरी तरीके से उसको उनके परिवार को या उनके जो लोगों को समर्थन करने के लिए योग्य नहीं है। तो इस चीज़ को हमें और मजबूती से आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है, और जिस तरीके से माफिया राज प्रदेश के अंदर फैला हुआ है, इसको हमें चेक करने की आवश्यकता है। पौंटा कांग्रेस में जैसे फूट की बात सामने आ रही है, नहीं कुछ निश्चित तौर से, क्योंकि बहुत समय से हम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं जिता पाए हैं, तो कुछ कमियाँ ज़रूर देखने को मिली है, मगर निश्चित तौर से हमने यही निवेदन किया है कि जितने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सबको एक मंच पर
और एक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कोई अपने 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 जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको पीछे रखते हुए पार्टी हित को और क्षेत्र के हित को आगे रखने की आवश्यकता है। हम भी इसमें अपनी ओर से जितना हस्तक्षेप हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे आने वाले समय में जो नगर परिषद के चुनाव है या पंचायती राज के चुनाव है उसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग उसमें जीत कर आएँ, ताकि आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूती प्रदान की जा सके और ज़मीन स्तर से जो मजबूत लोग हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान जो है पार्टी के अंदर दिया जा सके, ताकि वो आने वाले समय में अपने इलाके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके। आपने खनन माफिया की बात की, गत दिवस भी जो मृत्यु यह बता रहा जा रहा है जो डंपर था वो पूर्व विधायक कांग्रेस के ही करने इस जंग थे जो उन्हीं का था और उन्हीं के क्रेशर पे जा रहा था, इसका मतलब कांग्रेस ही खनन माफिया है? मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। कांग्रेसियों द्वारा ही आरोप लगाए गए हैं ये? मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, और जिसका भी वो था वो कोई उत्तराखंड का व्यक्ति था जिसका वो टिप्पर था, इस पे तफ्तीश हो पूरी तरीके से। पूर्व विधायक के बताया जा रहा है आठ क्रेशर चल रहे हैं, उस पे कुछ नहीं कह सकते, वो जो है तफ्तीश हो, पुलिस इनका है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, वो उसमें प्रॉपर तफ्तीश करे किसका है किसका नहीं है और क्यों वो हो रहा था, क्या वो इलीगल माइनिंग हो रही थी या जो है या परमिट लेकर जो है वो हो रही थी, वो उस पर तफ्तीश के बाद वो चीज़ निकल कर आएगी, या ओवरलोडिंग हो रही थी वो चीज़ निकल कर आएगी। मगर इस चीज़ें की इस तरीके की चीज़ें भविष्य में ना हो इस पर हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है साहब, प्रदेश में जिस तरह के हालात कांग्रेस में हैं और आपका ये मानना है कि आप लोग मुद्दों को उस हिसाब से नहीं उठा पा रहे हैं और झूठ की बात भी प्रदेश तक सामने आती है, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार में वापसी कर पाएगी इन चुनाव के माध्यम से? निश्चित तौर से करेगी, बिल्कुल करेगी, और हमने ऐसा है कि निश्चित तौर से कांग्रेस में बहुत से नेता हैं, सबके अपने विचारधारा है, अपना एक वो है, मगर हमारा एक एजेंडा है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाना है, सब लोगों का ये एजेंडा है और निश्चित तौर से हम मिलकर उस पर कार्य कर रहे हैं। हमने विधानसभा में भी हर मुद्दे को सकारात्मक रूप से उठाने का पूरा प्रयास किया है, पॉजिटिविटी के साथ उठाने का प्रयास किया है, और इसी तरीके से ज़मीन स्तर पर भी उसे करने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, उनका पूरा समर्थन और सहयोग जो है वो हमारी लीडरशिप के साथ है और हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप नौजवान हैं, अभी प्रदेश सरकार भी आए थे, उनके सामने भी फूट लगा रही, किस तरह से इन भाइयों को बांटने का फार्मूला क्या बनाया? वो निश्चित तौर से सब लोगों को साथ ले जाने का प्रयास जो है वो करेंगे, और जिसकी जितनी अहमियत है, जिसका जितना रोल है, उसके हिसाब से उनको उस इलाके में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरीके से हम पार्टी को मजबूत करने का कार्य जो है वो करेंगे, और जैसा मैंने कहा कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे रखते हुए पार्टी हित के लिए पार्टी को जिताना और पार्टी के वो मेजोरिटी बनाना अभी हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा वही है। बाकी चुनावों के बाद क्या परिणाम निकल कर आते हैं उसके बाद जो है अगली रणनीति बनाने का प्रयास। हरप्रीत जी, नोटी जी और हमारे जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं तपेंद्र सैनी जी, हमारे चेयरमैन अपने कुलवंत सिंह जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी जो और यहाँ पे जो दिग्गज लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी प्रधानगण यहाँ पे उपस्थित हैं और जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पे उपस्थित हुए, आपने हमें अपना मान सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। और एक जो वास्तविक परिस्थिति है इस निर्वाचन क्षेत्र की, इस इलाके की, उससे भी हमको जागरूक करवाया, क्या ग्राउंड स्तर पे क्या कार्य चल रहा है, क्या कमियां हमको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा एक मजबूत कुनबा होने के बावजूद भी हम उसको जीत में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। और ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि अगर कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे लोग ही दूसरी सोच के हो,
कई ऐसे इलाके हिमाचल प्रदेश में हैं जहाँ पे लोगों की विचारधारा ही जो है वो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती, उसमें अगर हार हो उन परिस्थितियों में तो तब भी दिल को जो है एक दिलासा दिया जा सकता है, मगर ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर लोग हमको चाहते हैं कि हमको जिताएं, मगर हम आपसी लड़ाई की वजह से या आपसी फूट की वजह से या आपसी जो एकता होनी चाहिए वो ना होने की वजह से उसका खामियाजा हमको तो भुगतना ही पड़ रहा है, मगर साथ साथ जनता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस पे हमें निश्चित तौर से करेक्टिव मेजर्स समय रहते लेने की आवश्यकता है, और अभी यहाँ पे बिल्कुल सही हमारे एक वक्ता ने कहा कि उसका जो पहली कड़ी है वो अभी जो हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, हमारे नगर परिषद के चुनाव होने हैं, वहाँ से वो शुरू होगी। जब उसमें हम एक अच्छा मैसेज देंगे और उसमें हमारे नुमाइंदे जीत कर आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कोई पार्टी टिकट पे तो होता नहीं है, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को आगे लाया जाता है, उसमें एक आपसी सहमति बनकर उसमें जितने हमारे ज़्यादा लोग जीत कर आएंगे, चाहे वो पंचायत समिति है, चाहे ज़िला परिषद है, चाहे आपका नगर परिषद है, उससे ही एक आने वाले समय के लिए अच्छा माहौल बन सकता है। और निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि अगर हम सब इकट्ठे लड़कर आगे एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमको जो है जीतने से रोक सकती है। आज सरकार प्रदेश स्तर पर जो कार्य कर रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने करी, ज़मीन स्तर पे क्या हाल है वो मुझे उस पर ज़्यादा लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। हर बच्चा बच्चा उसको जानता है कि हम तो हर मन से ये कहते हैं कि इतिहास की सबसे कमज़ोर सरकार आज हिमाचल प्रदेश के अंदर शासन कर रही है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, मगर जिस तरीके की सरकार आज हिमाचल में है वो ना होने के बराबर है। आज पकड़ कोई सरकार की है नहीं। जो बड़े बड़े जितने विकास के कार्य आज तक हो रहे हैं या जिनके उद्घाटन हो रहे हैं वो पिछली सरकार के माध्यम से जो है वो शुरू हुए थे, जिनका अभी या तो लोकार्पण हो रहा है, उनका जो है कंप्लीशन हो रहा है, और एक बड़ा ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो इनके सरकार में आया, जो इनकी सरकार में कंप्लीट हुआ, इनकी सरकार के माध्यम से उसमें फंडिंग हुई। वही हाल केंद्र सरकार से जो हमको सहयोग मिलना था वही हाल उसमें भी, चाहे नेशनल हाईवे की बात है, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट की बात है, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज़ की बात है, हर हाल में जो है यहाँ पे सरकार की ओर से कोई समर्थन जो है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को हमको लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। अभी जो कोविड का ज़माना रहा है उसमें क्या दुर्गति प्रदेश के लोगों की हुई, पहले ही सरकार ने घोषणा कर दी कि हम तो हिमाचल को कोविड मुक्त कर देंगे, उसके बाद केसेस बढ़ने शुरू हो गए, ना आपके पास कोई यहाँ पे रेस्पिरेटर्स थे, ना आपके पास रैपिड टेस्टिंग किट्स थी, और लोगों को जो है अंधविश्वास में जो है धकेलने पर मजबूर कर दिया। आज कितने अस्पताल हमारे दुर्गम क्षेत्र में है जहाँ पे डॉक्टरों के जो है पद रिक्त पड़े हुए हैं। पहले आपने सिरमौर का और शिमला का और किन्नौर का जो है मुख्य अस्पताल कोविड का शिमला में DDU अस्पताल को बना दिया, पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट्स का। जब वहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, वहाँ के आपने जो वहाँ का MS था उसको हटा दिया, जब वहाँ पे एक लेडी ने जो है वो कोविड पॉजिटिव लेडी ने सुसाइड कर दिया, तो ये हाल आज पूरे इलाके में कोविड के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया, हेल्थ स्कैम हुआ, आपने देखा कि उसमें जो अलग अलग इक्विपमेंट्स लिए गए उसमें घोटाला हुआ, उनके भाजपा के जो यहाँ से वरिष्ठ नेता बिंदल जी उनको इस्तीफा देना पड़ा, और जिस विभाग में हुआ था उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई। तो आज मुद्दे हमारे पास बहुत हैं और ज़मीन स्तर पर हमें उनको ले जाने की आवश्यकता है, और नोटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम में कार्य करने की क्षमता है और हम में लोगों से जुड़ने की क्षमता है तो सरकारी प्लेटफॉर्म होना आवश्यक नहीं होता है। अगर हम में रुतबा है, हम में अगर एक जज्बा है तो हम खुद जाकर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से लोगों की मदद कर सकते हैं, NGO के माध्यम से कर सकते हैं, कोई वकील बैकग्राउंड का है तो
जो है PILs के माध्यम से जो है वो किया जा सकता है, कोर्ट की लड़ाई से वो चीज़ की जा सकती है। तो न्याय दिलवाने के 100 तरीके हैं, मगर हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए और सबको इकट्ठे लेकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ। आप सब मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी जो है मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों को है, तो मैं कोई ऐसी बात कहूँ वो अच्छी बात नहीं रहेगी। मेरा यही एक निवेदन रहेगा कि हमको अभी यही हमारा एजेंडा होना चाहिए कि हम आने वाले समय में जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताएं। इसके लिए मैं भी अपनी ओर से जो भी मुझसे हो सकता है, जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि इस तरीके की यहाँ पे परिस्थिति है, इस तरीके की यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए जो है कुछ ना कुछ कदम पार्टी को उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में हम मजबूती के साथ यहाँ पर वापस पार्टी को जो है वापस सत्ता में ला सकें। और जहाँ तक लीडरशिप की बात है, तो निश्चित तौर से अभी आप देख रहे होंगे प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी पीछे राजीव शुक्ला जी जो हमारे नए प्रभारी बने, वो जो है शिमला आए, वहाँ पर कई नेताओं ने ये बात करी। तो आज शिमला में मतलब हिमाचल के हर जगह से जो है मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 6-8-10 तो हमारे पास कांग्रेस में ही दावेदार हैं। तो वो तो तब बनेंगे जब सरकार बनेगी। क्लियर फंडा है कि जब तक 45 सीटें कांग्रेस की नहीं आती है, तब तक ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई मंत्री है, ना कोई संतरी है। पहला एजेंडा हमारा ये होना चाहिए कि हमको जो है वो सरकार को वापस लेकर आए, अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे रखें। एक बारी जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से सबको अकोमोडेट करने का उसमें प्रयास किया जाएगा, और पूर्व में भी किया है और भविष्य में भी निश्चित तौर से वो चीज़ होगी। जिंदाबाद।